दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोस्ट्रा प्रो प्रेडिक्शन में। इस चैनल का नाम सिर्फ नोस्ट्रा प्रो प्रेडिक्शन है, वैसे आपको ये ड्रीम इलेवन की भी प्रेडिक्शन देता। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कबड्डी आ चुकी है ड्रीम इलेवन में। ये जो फर्स्ट मैच है तमिल वर्सेस पटना, आज मैं इसकी प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। पहले हम इसके प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं। और दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ऐसे नहीं पता कि नोस्ट्रा प्रो ड्रीम इलेवन जैसी फैंटेसी साइट्स कैसे खेलनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और साथ में कोड भी दे रखा है जिसको आप यूज़ करके कैश बोनस ले सकते हैं। अब मैं आपको इन दोनों की प्लेइंग इलेवन दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको टीम सेलेक्ट करते हुए मदद मिलेगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि तमिल थलाइवास की प्लेइंग इलेवन रहने वाली है। उसके बारे में मैं बता दूँ, जो फर्स्ट है जय ठाकुर वो कैप्टन है, फिर जसवीर, हाँ यहाँ पर जसवीर की जगह पर सुरजीत सिंह आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता। जसवीर एक लेफ्ट रेडर है और सुकेश हेगड़े भी एक लेफ्ट रेडर, हाँ यहाँ पर सुकेश हेगड़े जरूर खेलेंगे। मनजीत चिल्लर, अमित हुड्डा, सी अरुण, डी गोपाल, ये है तमिल थलाइवास की स्टार्टिंग सेवन। और मैं जो यहाँ पर इसके बेंच के प्लेयर हैं आप ये भी देख लीजिएगा और टीम भी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दिखा दूँ आपको पटना पायरेट की, प्रदीप नरवाल, दीपक नरवाल, तुषार पाटिल, जयदीप जवाहर ढांगर, मनीष, कुलदीप सिंह, ये रहने वाली है पटना की स्टार्टिंग इलेवन। और ये सब्स्टिट्यूशन प्लेयर है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं टीम बनाने की ओर, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पर तमिल वर्सेस पटना का पहला मैच है, मैं आपको इसकी प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक टीम बनाई है, लेकिन मैं इसी को आपको दिखाऊँगा। ये मैंने क्यों क्यों लिए ऐसे बताऊँगा। यहाँ पर आप प्रदीप नरवाल को लेंगे तो आपको यहाँ पर सुकेश हेगड़े भी ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर आपको मनजीत और अमित हुड्डा ड्रॉप करने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने टीम क्यों बनाई है, अगर आप पिछले आंकड़े देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है इस कॉर्नर पर अमित हुड्डा खेलते हैं, प्रदीप नरवाल इस साइड से रेड करते हैं, और यहाँ पर सी अरुणर, यहाँ पर मनजीत चिल्लर खेल लेंगे। तो जो पिछले आंकड़े देखेंगे आप, अमित हुड्डा ने प्रदीप की सबसे ज़्यादा कैच लगाई है, और आप देख सकते हैं कि एशिया कप में प्रदीप नहीं चले थे, और मैंने एशिया कप में भी बताया था कि आप प्रदीप को मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अबुजार में गानी है और वो सीधी पाँव में डाई मारेंगे, इसलिए प्रदीप नहीं चलेंगे। प्रदीप की एक ही कमजोरी है पाँव में डाई, ऐसे नहीं कहता कि मैं प्रदीप मत लीजिएगा, अगर आपसे क्रेडिट मैनेज हो तो आप प्रदीप लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर अमित हुड्डा जो कि कैचर है, अगर मैं आपको इसके पीछे मेरी बताता हूँ कि मैंने ये टीम क्यों ली। देखिए मैंने यहाँ पर अजय ठाकुर लिया है, यहाँ पर मैंने जयदीप लिया, ठीक है, अजय ठाकुर इस साइड से रेड करेंगे, जयदीप इस साइड से कैच लगाएंगे। अगर अजय ठाकुर की कैच जयदीप ने लगाई तो पॉइंट हमें मिलेंगे, अगर अजय ठाकुर पॉइंट लाएंगे तो पॉइंट तभी भी हमें मिलेंगे, पहली बात तो ये होगी, इसलिए हमें दोनों तरफ से फ़ायदा। अब बात करते हैं अमित हुड्डा की, अमित हुड्डा प्रदीप को लाएंगे, वो हम क्रेडिट मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम बात करें यहाँ पर मनीष की क्यों लिया, आप देख सकते हैं सुकेश हेगड़े और जसवीर सिंह इनमें दोनों, और अगर आप सुकेश हेगड़े जसवीर को भी छोड़े अगर सुरजीत खेलेंगे तो वो भी लेफ्ट रेडर है यहीं पर, और मनीष जो खेलेंगे सिर्फ एक ही लेफ्ट कॉर्नर है और ये पक्के खेलेंगे। आपको बता दूं ये अगर सुकेश हेगड़े ही कैच मनीष लगाएंगे तो भी हमें पॉइंट मिलेंगे, अगर सुकेश हेगड़े मनीष पे पॉइंट लाएंगे तो भी हमें पॉइंट मिलेंगे। अब बात आ गई मनजीत की, मनजीत तमिल के है, और जो कि आपको पता है तुषार पाटिल और दीपक नरवाल दोनों तमिल के रेडर है, जो भी राइट है, मनजीत राइट कॉर्नर खेलेंगे, इसलिए ये
अगर तुषार पाटिल इस पे पॉइंट लाएंगे तो भी हमारा फ़ायदा, अगर मनजीत कैच लगाएंगे तो भी हमारा फ़ायदा। इसलिए मैंने ये बहुत सोच समझ के टीम बनाई। अगर आप सोचते हैं कि हम तो इससे अच्छी टीम बना सकते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पर क्रेडिट मैनेज नहीं होंगे। प्रदीप 17.5 क्रेडिट का है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि प्रदीप को मत लीजिए, आप देख सकते हैं लोग भी 80% गए, लेकिन मैं बता दूँ अगर आप देखेंगे कि हम प्रदीप को लेंगे, चलो मैंने मान लिया प्रदीप को लेंगे, तो आपको यहाँ पर मनजीत और अमित हुड्डा ड्रॉप करने पड़ेंगे। अगर आप अमित हुड्डा को ड्रॉप करें, अगर प्रदीप 10 पॉइंट स्कोर करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारे पॉइंट लाएगा, तो 3-4 तो कैच पक्की लगेगी। अगर आप इसके फैंटेसी पॉइंट सिस्टम में देख सकते हैं तो वहाँ पर देखिएगा पॉइंट, अगर रेडर कैच खाएगा तो उसका पॉइंट माइनस होगा, लेकिन अगर कैचर से रेडर पॉइंट लेगा तो कैचर को कोई नुकसान नहीं होगा पॉइंट्स का, और कैचर को एक कैच के 5 पॉइंट मिलते हैं, रेडर को एक रेड के 4 पॉइंट मिलते हैं, जबकि उसके माइनस भी होते हैं। अगर मनजीत और अमित हुड्डा पे बात आती है तो देखिए, अगर सुपर टैकल मार दिए तो 9 पॉइंट मिलेंगे, आपको ये बता दूँ, क्योंकि 4-4 सुपर टैकल वहाँ पर देखना आप, और 5-4 सक्सेसफुल कैच, टोटल 9, तो सुपर टैकल पे 9 पॉइंट मिलेंगे। देखो 2 कैचर हमने तमिल के अच्छे और 2 पटना के, तो हमें एक ऐसा तो है नहीं कि कोई सुपर टैकल नहीं लगेगा। इसलिए मैंने ये बहुत सोच समझ के टीम बनाई है, जो कि मेरे आज तक प्रेडिक्शंस का अभी तक ख़राब नहीं हुई है। तो आप अगर इस टीम के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर आप प्रदीप को लेना चाहें तो ले। अगर मैंने बात करूँ कि तो यहाँ पर अजय ठाकुर क्यों है, आप वहाँ पर देख सकते हैं बोनस के भी 2 पॉइंट है वहाँ पर, और बोनस अजय इंडिया का कैप्टन है, और आप ये भी देख सकते उसकी हाइट, उसका हैंड टच देखिए, कितना अच्छा प्लेयर है अजय ठाकुर। लेकिन जबकि प्रदीप गंदी फॉर्म से गुजर रहे हैं, जो आपने वर्ल्ड कप देखा होगा सिर्फ अजय चले थे और कोई नहीं चला, मैं हर एक मैच देखता हूँ, इसलिए मैं आपको उनके हिसाब से प्रेडिक्शन देता हूँ। आज मैं बता दूँ कि आप कोई जल्दबाजी में टीम मत बनाइएगा, ये वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया। मैं आपको पूरे 3 महीने की प्रेडिक्शन दूँगा यहाँ पर, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो तो थैंक्स यार, और आपको बेल आइकन दबा लेना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिलते। वैसे आप मैंने टीम बताई ऐसे फिर मुझको दोस्त मत देना, मैं मेरी टीम बताता हूँ और मेरी लगभग प्रेडिक्शन सही। वैसे तो मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूँ आज प्लेयर ये चलेगा, वैसे तो आप देख सकते हैं हर सीज़न में कोई अच्छा प्लेयर निकलता है, कोई ना कोई चल सकता है, मैं ऐसे नहीं बोला। तुषार पाटिल ये यंग है, चल सकते हैं, पिछली बार ये जयपुर की तरफ से खेल रहे थे, ज़्यादा चांस मिला नहीं से, लेकिन जब भी चांस मिला पॉइंट स्कोर किए। अगर बात करते हैं वाइस कैप्टन की, मनजीत आपको पता है जो इसने लास्ट जब कॉर्नर खेला था बंगलुरु बुल्स के खिलाफ, तो रोहित कुमार दोस्तों सीज़न 3 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर प्लेयर की 7 कैच लगाई थी, आप देख सकते हो। इसलिए मैंने इसे वाइस कैप्टन और अजय ठाकुर कैप्टन में कोई और चॉइस है ही नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू दोस्तों। अगर आप कुछ और करना चाहें तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मैंने टॉप 5 फैंटेसी ऐप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर डाउनलोड करना तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।